सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। आज बात करेंगे कोरोना की और देश में बच्चों के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान की। देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, आज से शुरुआत की गई है। इसको लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है। कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए करीब 8 लाख से ज्यादा युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स को बच्चों को ध्यान में रखकर काफी कलरफुल सा बनाया गया है। बच्चों को टीका लगाने के लिए अभिभावक कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल फोन से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस आयु वर्ग के लाभार्थी खुद भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ शर्तों के साथ 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया कि पहले 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद 12 साल वाले एज ग्रुप के बच्चों के पास जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि आज से ही बच्चों के वैक्सीनेशन को शुरुआत की गई है। हमारे साथ आज इस पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, MH1 प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज से शुरुआत हुई है और आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता जो माता पिता को रहती है वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर रहती है। सरकार ने कदम उठाया, अब कोरोना से एक बचाव, एक पड़ाव बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर, क्या कहेंगे आप? ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि ये बहुत देर की मांग थी कि बच्चों को शुरुआत कर दिए जाए। इन्होंने 15 साल से शुरू किया है, परंतु मेरे अपने विचार में ये 12 साल से शुरू होना चाहिए था जी। हो सकता है कि अभी वैक्सीनेशन की डोज ये स्टैगर्ड दे रहे हो, पर हमें अल्टीमेटली 12 साल के बच्चों से शुरुआत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सारे स्कूल में जाते हैं और बाहर के देशों में तो 5 साल से भी शुरू कर दिया गया है और 12 साल तो हर जगह कंपलसरी है। तो इसीलिए हमें ये शुरुआत कर देनी चाहिए और पेरेंट्स को बढ़ चढ़ बच्चों को भेजना चाहिए, ले जाना चाहिए करने के लिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ ओमिक्रॉन नहीं, डेल्टा वेरिएंट भी पूरी तरीके से पूरे देश में है। हालांकि हमने कंट्रोल पा लिया था, परंतु ओमिक्रॉन की जो बढ़ती हुई रफ्तार है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसमें हमें पैनिक तो नहीं करना चाहिए, परंतु हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। पूरा ध्यान रखेंगे तो हम इस चीज से काफी हद तक निजात पा देंगे। अभी मेरा सर्वे हम लोग करते हैं तो लोगों में सबसे बड़ी एक गलत फहमी है कि ओमिक्रॉन बाहर से आया है, इसीलिए लोकल से हम लोगों को कोई खतरा नहीं है जी। ये चीज लोगों में आम धारणा है, इस चीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन ए सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है। आया तो ठीक है बाहर से, परंतु जिन जिनने किस किस से टच में आए हैं ये तो अभी हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को और बड़ों को, बच्चों को स्पेशली अब शुरू कर दिए गए, ये बहुत अच्छा स्टेप है और इसमें बढ़ चढ़ के हर व्यक्ति को, पेरेंट्स को उनको एजुकेट करना चाहिए। और एक चीज ये भी देखी गई है कि ये जो युवा है ये खुद इतने जागरूक है कि ये खुद आकर के ये लगाना चाहते हैं और इसलिए ये कदम बहुत सराहनीय है। और हमें हर जगह सिटी वाइज में ग्रुप डिवाइड कर देना चाहिए एरियाज को और हर जगह कैंप्स लगने चाहिए। ये जैसे पहले किया था कि घर घर में जाकर के इन्फॉर्म करके वर्कर्स के थ्रू बताना चाहिए कि अब ये आ गया है, ठीक है टीवी के द्वारा तो हम कर रहे हैं, रेडियो से भी प्रसारित हो रहा है, परंतु डोर टू डोर भी जाकर के सबको बताना कि भाई शुरू हो गया है और आप आइए और इसे लगवाइए। डॉक्टर साहब, अभी अगर मौजूदा हालात की हम बात करें, हालांकि आज से चलिए बच्चों के 15 साल से लेकर 18 साल के एज ग्रुप की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी हमारे भारत में ही बहुत सारे वर्ग के लोग ऐसे हैं, कई आयु वर्ग के, उसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, उसमें वयस्क लोग भी हैं, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की दूसरी तो छोड़िए पहली डोज भी नहीं लगवाई है। इस तरह से अगर हम लापरवाही बरतते रहे और कोरोना के नए नए वेरियंट्स आते रहे तो इसका नुकसान लोग खुद अपने स्वास्थ्य को लेकर भुगतेंगे।
लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। आप एज अ मनोचिकित्सक, क्योंकि आप लोगों की मनोदशा को जानते हैं, समझते हैं, किस तरह से आप उनको गाइड करेंगे? देखिए ऐसा है, अभी रिसेंटली मेरे संदर्भ में कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने जिंदगी भर इंजेक्शन नहीं लगाया था जी। वो इस चीज से डर रहे थे कि हमें इंजेक्शन नहीं लगाना, हमें सुई नहीं चुमानी, हमें अपने अंदर कोई केमिकल नहीं डालना। तो उनको ये चीज समझाई गई कि जो लोग दवा, कई ऐसे भी लोग हैं जो दवाई नहीं लेते हैं, तो उन्हें समझाया गया आप आयुर्वेदी या खाना आप पौष्टिक लेते हैं जिससे आपकी शरीर की क्षमता, इसी तरह ये एक ऐसा पदार्थ है कि जो आपके शरीर में जाकर के आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना पड़ता है कि आपके शरीर की क्षमता को बढ़ाता है कि अगर बीमारी आपके पास आए तो आपको ये बिल्कुल भी ये पोजीशन में नहीं ले जाएगा कि आप मरने वाली स्थिति में हो जाएंगे। कई ऐसे लोग कहते हैं हमें गोली दे दीजिए, उनको फिर समझाना पड़ता है कि देखिए हर चीज का गोली इलाज नहीं है, उसमें इंजेक्शन के सुई तरल पदार्थ के थ्रू जब आपके शरीर में जाता है, डायरेक्टली आपके खून में जाता है, तो आपकी खून जो शक्ति विरोधक है उसको बढ़ाता है बीमारी से बचने के लिए। तो अब जो टाइम है हमें लोगों को जाके समझाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से कि क्यों आपने इसको लगाना है और इसका आपको क्या फायदा है। आपके घर में बच्चे भी हैं, अगर आपके द्वारा आपके बच्चों को हो जाए तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा? इस तरीके से जब हम समझाते हैं तो लोगों की समझ में आता है। और ये हर एक हमें इस चीज के लिए कि हम जा करके पर्टिकुलर हर एरिया में जहां पे नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फिगर्स है कि किस एरिया में कितने हुए हैं, जहां पे जो बच गए हैं वहां पे जाके कराया जाए। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हमें जो है थर्ड डोज इज अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि देखा गया है कि दो डोज से एफिकेसी अगर 60% रहती है तो थर्ड डोज लगाने के बाद एफिकेसी 92% तक बढ़ जाती है, ये स्टडी में पाया गया है। और एक चीज और डॉक्टर साहब, अगर दो डोज कोवैक्सीन के लगे हैं तो थर्ड डोज मिक्स एंड मैच करके अगर आप कोविडशील्ड के लगाते हैं तो वो उसका इफेक्ट और अच्छा आता है, क्योंकि ये स्टडी बाहर से आई है और उन्होंने इस पे शोध करने के बाद निर्देश डाली गई है पेपर्स में कि ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से जिनको थर्ड डोज नहीं लगी गवर्नमेंट को उसको भी खोल देना चाहिए, और जिनको एक भी डोज नहीं लगी उसके लिए फिर दोबारा वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए, चाहे तो हमें उनके घर के पास तक वैक्सीन ले जाने चाहिए। पीछे जैसे अभी हो रहा था कि झुग्गी झोपड़ियों के पास हो रहा था, कॉलोनीज में लग रहा था, ये दोबारा से ये बहुत वार स्केल पे हमें लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना हमेशा के लिए है, ये जाने वाला नहीं है। आज एक स्ट्रेन आया है, कल दूसरा स्ट्रेन आएगा, तो वैक्सीन की हमें डोजेस साल में एक बार तो लेनी ही पड़ेंगी। और अब इस वक्त मौके की नजाकत ये है कि थर्ड डोज भी गवर्नमेंट को खोल देनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों में एंटीबॉडीज बड़ों के मुकाबले ज्यादा बनती हैं, इसलिए शायद ये जो इंजेक्शन है, ये जो पहली डोज है, ये बच्चों पर ज्यादा फायदेमंद इसलिए भी साबित होगी क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। क्या जो मैं पूछ रही हूँ या जो मैं कहना चाहती हूँ उससे आप सहमत हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जैसे बच्चों में कहते हैं कि प्रतिरोधकता ज्यादा है, अगर हम ये डोज लगाएंगे तो वो और अच्छे तरीके से इसकी तरफ, एक चीज समझिए कि आपके घर के बाद एक 4 फुट की दीवार है कि कोई कूद ना सके, उसको अगर आप 10 फुट की बना देते हैं तो कोई भी आसानी से अंदर नहीं आ सकता जी। इसी सेम तरीके से अगर हम ये वैक्सीन बच्चों को लगा देते हैं तो उनकी जो क्षमता है, इम्यूनिटी लेवल है, वो और बढ़ जाएगा। और अभी तक देखिए बच्चे में इतना नहीं आया है, तो ये जो स्टेप है ये बहुत एक वाइज स्टेप है, इसको हमें करके एक हम अपने समझे देश के भविष्य को उसको सेफ कर रहे हैं। और इसके लिए जैसे पहले भी मैंने कहा है कि हमें वॉर फुटिंग पे जाना पड़ेगा, बच्चों को भी, उनके माँ बाप को भी, कि इस पे ये पूरी तरीके से अग्रसर होकर के वैक्सीन लगाए। एक चीज और मैं कहूंगा कि देखिए एक पीयर प्रेशर होता है कि बच्चे अगर आपस में दूसरों को बोलते हैं तो जल्दी सुनते हैं एज कंपेयर टू बड़ों,
तो अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेते हैं और फिर आगे उनसे ये भी रिक्वेस्ट करें कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि लगवाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप देखेंगे ये चीज थोड़ी जल्दी और आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल, यानी प्रचार के साथ इसका प्रसार हो ये बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का कहना ये भी है, ये तमाम वो सवालात हैं जो इस लंबे अंतराल में हम तक पहुंचे हैं और आपस में हमने लोगों को बातचीत करते भी सुना है, उनका कहना ये है कि दोनों डोज लगने के बाद भी ओमिक्रॉन से और कोरोना से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो इसका कारण वो लोग जानना चाहते हैं कि जब दोनों डोज लग गई है तो बचाव क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, मृत्यु लेवल दो डोज के बाद बहुत कम हुई है। दूसरी बात, कोविड प्रोटोकॉल तो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, हाथ नहीं धोते, सैनिटाइज नहीं करते। ये तो दोनों चार महीने में आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसमें चूक करेंगे तो डिजीज तो फिर भी आपको अटैक कर सकती है। ये इस तरीके से समझिए कि आप घर में रहते हैं और आपने घर अंदर से बंद कर दिया जी। अगर आपने दरवाजा खोल के घर में रहेंगे तो कोई भी अनजाना व्यक्ति आपके घर में घुस सकता है, तो दरवाजा तो फिर भी बंद करना है कि घर आपने जब बनाया तो आपने दरवाजा लगा दिया। अगर आपने दरवाजा नहीं लगाया तो कोई भी घुस सकता है। अब दरवाजा लगाने के बाद आपको उसे बंद भी करना है। सेम तरीके से मास्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मास्क आपने नहीं लगाया तो ये एयरबोर्न डिजीजें आपके यहाँ आ सकती है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, लोग मास्क लगाते हैं पर नाक से नीचे कर लेते हैं। अब आप एक चीज समझिए, अगर मान लो ओमिक्रॉन या डेल्टा का वेरिएंट है आपके मास्क में आया और आपने नीचे कर लिया तो आप उसको इनहेल कर रहे हैं और मास्क लगाने का अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल, लोगों को समझना होगा क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक से नियम है जो डॉक्टर साहब भी हमें लगातार बता रहे हैं और वाकई हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। और जिस तरह से लापरवाही हमने बीच में बरतनी शुरू की और शायद उसी का नतीजा है कि अब ओमिक्रॉन के तौर पर ये खतरनाक वायरस फिर से हम लोगों के बीच लौट आया है, लेकिन सावधानी बेहद बरतनी चाहिए। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता हमारे साथ, आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।